जबलपुर के ऑटो चालकों ने टोल नाके के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद भी छावनी इलाके में लगने वाले टोल को बंद ना करने के विरोध में ऑटो चालकों ने मोर्चा खोला है। इसी कड़ी में ऑटो चालकों ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ कैंट बोर्ड ऑफिस का घेराव कर विरोध जताया और रक्षा मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए छावनी परिषद के अधिकारियों से बिना देर किए टोल नाके को बंद करने की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह क्लियर किया गया है कि पूरी भारतवर्ष के सभी कैंट छावनी से नाके अलग किए जाएं। नाकों में जो भी नाकेदार बैठे उन्हें सूचित किया जाए कि वह नाका तत्काल बंद करें, इमिडिएटली। ऐसे आदेश वहां से जारी हुए हैं और नाकों से जो कमाई होती थी, जिससे कैंट बोर्ड में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में उनको जो लाभ मिलता था, वैसी स्थिति में उनका जो भरपाई है वह राज्य सरकार करेगी। और साथ ही साथ यहां पर अगर इन्होंने ये नाकों को तुरंत बंद नहीं किया तो जैसे बाकी कैंटों में नाके बंद हुए हैं, और अगर इस कैंट में नहीं होते हैं तो हम लोगों ने आज यहाँ पर आके सचेत किया है कि हम इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ऑटो चालकों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद भी छावनी इलाके में संचालित टोल नाके का ठेकेदार टोल बंद ना कर टोल की अवैध तरीके से वसूली कर रहा है और टोल ना देने पर कैंट इलाके से सवारियों को लेकर नहीं जाने देता, और ऑटो चालक जब टोल बंद होने की बात कहकर टैक्स देने से मना करते हैं तो ठेकेदार ऐसे में उनसे जबरन मनमाने तरीके से वसूली करता है और विरोध करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाता है। वहीं ऑटो चालकों की समस्या को लेकर पहुंचे जन प्रतिनिधियों का कहना था कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के उस आदेश के प्रति कैंट बोर्ड के अधिकारियों को दी है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि देश में छावनी परिषद में संचालित होने वाले टोल नाकों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये देखने में आ रहा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत जितने नाके चल रहे थे उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऑटो वाले बहुत परेशान थे। उनको ज़बरदस्ती रोका जाता था, उनके साथ बदतमीजी की जाती, गुंडागर्दी की जाती, अवैध वसूली की जाती थी। और विगत 2 सालों से वैसे ही कोरोना के कारण लोग इतने परेशान थे जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हम लोगों ने लगातार कंटोनमेंट बोर्ड को एक ज्ञापन दिया और 2-3 साल से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं ऑटो चालक भाइयों के साथ। तो कल रक्षा मंत्री जी के आदेशानुसार रक्षा मंत्रालय के यहाँ से एक पत्र निकला है कि जिसमें ये कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड के नाके हैं उनको बंद किया जाए। और आज हम सभी नाके वाले यहाँ पे उस पत्र को लेके कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस गए थे। वहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता है हम इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे, और यदि ऐसा होता है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जन प्रतिनिधियों का कहना था कि ऑटो चालकों की कोरोना संक्रमण ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी, ऊपर से छावनी परिषद में संचालित होने वाले टोल नाके का ठेकेदार टोल के नाम पर ऑटो चालकों को परेशान करने का काम कर रहा है। अगर कैंट बोर्ड के अफसरों ने 24 घंटे के अंदर टोल नाका बंद नहीं करवाया तो ऑटो चालकों के साथ वो मजबूरन उग्र प्रदर्शन करेंगे। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।